अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में जब से शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए हैं, एक नाम बड़ा सुर्खियों में है। वो नाम है एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ का। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस केस में गहना एक अहम कड़ी है। पुलिस के मुताबिक गहना इस पूरे कारोबार में शामिल थी और वो राज कुंद्रा के कई राज जानती हैं। पुलिस लगातार गहना को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अदालत के आदेश के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रही। वहीं अब गहना ने मुंबई पुलिस पर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। गहना ने मुंबई पुलिस पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। आगे का वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल NN बॉलीवुड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। गहना का दावा है कि पुलिस ने ही उन्हें इस केस में राज कुंद्रा और एकता कपूर का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। इस इंटरव्यू में मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए गहना ने कहा कि मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करने के लिए मुझसे 15 लाख रुपए मांगे। गहना के मुताबिक पुलिस वालों ने उनसे कहा था कि अगर वो उन्हें पैसे देंगी तब वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। गहना वशिष्ठ ने कहा है कि मैंने पुलिस वालों को पैसे नहीं दिए क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। गहना ने कहा कि जिन भी वीडियोस में मैंने काम किया है वो सभी बोल्ड थे, न कि अश्लील। ऐसे में राज कुंद्रा और मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गहना ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें अपनी बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो कह रहे थे कि हम किसी के खिलाफ कुछ भी केस बना सकते हैं। बता दें कि हाल ही में गहना को राज कुंद्रा केस में बयान देने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से समन भेजा गया था। हालांकि गहना ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए कहा है कि वे अभी नहीं आ सकती हैं। इसके एक दिन बाद 27 जुलाई को एक महिला ने गहना और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। महिला खुद को गैंगरेप पीड़िता बता रही है। पुलिस द्वारा गहना वशिष्ठ पहले 6 फरवरी को अरेस्ट की गई थी। दरअसल एक महिला ने आरोप लगाया था कि वेब सीरीज में काम देने के बहाने उनके साथ यौन शोषण किया गया था। मार्च में दायर गहना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर 18 जून को उन्हें बेल मिली थी। जिस केस में गहना जेल में बंद थी उसमें शिकायतकर्ता के मुताबिक वे 2016 से हिंदी और मराठी सीरियल्स में काम कर रही हैं। वे अजीत नाम के एक शख्स के साथ संपर्क में आई जो एक्टर्स को टीवी सीरियल्स में काम देता था। उन्होंने अजीत को बताया कि वह वेब सीरीज में काम करने की इच्छुक हैं, जिसके लिए उन्होंने अजीत को 2 फोटो और प्रोफाइल भेजी। 10 फरवरी 2021 को अजीत ने उन्हें कॉल किया और बताया कि नरेश और मिथुल नाम के 2 व्यक्ति कास्टिंग प्रोफेशनल के तौर पर काम करते हैं और वे दोनों वेब सीरीज में उन्हें रोल दिला सकते हैं। महिला का मोबाइल नंबर शेयर कर दिया गया है। अब गहना के खिलाफ नए केस पर उनके वकील ने कहा, मुंबई पुलिस को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि गहना आरोपी है या फिर गवाह, पर क्योंकि हमें सेक्शन 41A के तहत नोटिस मिला है हमने एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। वहीं राज कुंद्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ लगातार नए सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। अब खबर है कि मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा की ऐप से 51 अश्लील फिल्मों को जब्त किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।